1950 brings in Jogan. Now, personally, I absolutely enjoyed the performance by Nargis. Nargis ji was known for her performance in Mother India. After that, this is the film that I enjoy most. She's denounced the world here and has expressed all her emotions just through her eyes. क्या फिर कभी दर्शन नहीं होंगे? कभी नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मेरा मन सदा शांत रहे तो इस दरख्त से आगे कभी कदम न रखना। निर्देशक थे केदार शर्मा और संगीत था बुलोसी रानी का। बुलोसी रानी का ये सबसे अच्छा फिल्म है। ज्यादातर गाने गीता दत्त ने गाए थे। घट घट में तोरे साई बसत है, घट घट में तोरे साई बसत है, कठु वचन मत बोल रे। केदार शर्मा ए परफेक्शनिस्ट इन दिस फिल्म आल्सो ही वाज कीन ऑन द प्लॉट द लोकेशंस एवरीथिंग। दिलीप कुमार जो ट्रेजेडी किंग माना जाते हैं, उन्होंने ये फिल्म में जो किरदार निभाया है परफेक्टली मैचिंग विद दिस टाइटल। ऑनर टू हिम। नीचे सपनों की एक समाधि, एक सहमी हुई फरियाद है। तुम मुझे एक खुली किताब की तरह पढ़ लेते हो, बीती बातें मैं याद करना नहीं चाहती। और इससे लाभ भी क्या? दिल खोल कर बातें करने से मन का बोझ हल्का होगा। तुमसे मिलने से पहले मेरे मन में शांति थी, ऊपर ऊपर की, अंदर ही अंदर सुलगती हुई आग पर राख आ गई, मगर आग जलती रही और इसी आग को दर्द के रूप में मैंने आपकी आंखों में देखा। बस करो। राजेंद्र कुमार जो जुबली कुमार कहे जाते हैं, उनका यह फिल्म है जिनमें एक नोटेबल रोल मिला। फूल तो तुम्हारे कदमों में विजय बाबू को रखने चाहिए। ये मेरे देवता है, मैं तो इनकी पुजारी हूँ। वाह, ये भी अच्छी रही। तो मंदिर से चल के देवता तुम्हारे घर पूजा कराने आते हैं। और इस फिल्म में टबसम उस वक्त बेबी टबसम ने भी एक अच्छा किरदार निभाया है। मैया मुझे भी साथ ले चलो, मेरे बिना आपकी देखभाल कौन करेगा। Now there are two meanings to it. One, beloved in the real world, and the other beloved is your God. उठे तो चले मरी में कोई ना विराजे, उठ तो चले अवधूत, उठ तो चले अवधूत, उठ तो चले।